नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और लकी पाम का और जानेंगे इस पाम की खास बात। ये हैं 24 इयर्स ओल्ड मेल पर्सन और इनके कुछ क्वेश्चंस हैं। जॉब और सेटलमेंट का क्या सीन दिखता है, शादी कब तक होगी और हेल्थ कैसी रहेगी। तो चलिए आइए देखते हैं कि इनका पाम हमें क्या बताता है। सबसे पहले जब हम पाम की ओर देखते हैं तो एक सुंदर सा पिंक कलर का पाम हमें दिखता है जो जीवन में अच्छी ग्रोथ और सक्सेस के बारे में बताता है। यहाँ पर पाम में देखें तो ये रेक्टेंगुलर पाम है, बहुत ही बढ़िया बेहतरीन रेक्टेंगुलर पाम हमें दिखता है। और देखिए, रेक्टेंगुलर पाम की खास बात ये होती है कि ऐसे लोग काफ़ी क्रिएटिव होते हैं, टैलेंटेड होते हैं और दूर की सोचते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, माइंड लाइन हमेशा जो है बड़ी होती है, लंबी माइंड लाइन आपको ऐसे हाथों में देखने को मिलेगी। और यहाँ पर भी यही है, यहाँ से स्टार्ट होती हुई इस प्रकार से माइंड लाइन यहाँ तक एंड हो रही है। तो ऐसे में क्या होता है, इंसान जो है अपनी टैलेंट को यूज़ करता हुआ, अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करता हुआ, अपने दिमाग का भरपूर इस्तेमाल करता है कि मैं और क्या बेटर करूँ अपनी लाइफ में, अपनी ग्रोथ सक्सेस के लिए। और यहाँ पर हाथ में ये देखिए, ये माता की लाइन भी होती है, इसको मातृ रेखा भी बोलते हैं। और ये देखिए, यहाँ पर ये जुड़ी हुई है तो मदर से काफ़ी अटैचमेंट हमें दिखता है। यहाँ पर इनके हाथ में अगर हम देखें तो ये देखिए, ये हाथ में यहाँ पर इस प्रकार से, अभी अगर अभी की एज की बात करें तो यव का चिन्ह दिख रहा है। तो ऐसा लग रहा है कुछ टीनेज और ट्वेंटीज़ में कुछ स्ट्रगल ज़्यादा बढ़ जाना, ऐसा कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसा समय जैसे होता ना कि स्ट्रगल का समय दिखाया, स्ट्रगल ही स्ट्रगल चलना, मेरा क्या होगा, कैसे होगा, मेरा कुछ हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इस प्रकार की चीज़ें। और होता क्या है, इंसान अपने जीवन में मतलब इस टाइम पीरियड में सोचता है कि मेरे जैसे हर चीज़ में मेरा कोई काम बन नहीं रहा, मेरे काम कब सही बनेंगे। और जैसे होता ना अकेलापन ज़्यादा फील करना, लोनलीनेस ज़्यादा बढ़ जाना, इस तरह की चीज़ें, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, कई बार ये चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि तकरीबन 17-18 साल की एज से लेके अगर हम देखें तो 23-24 तक का ये सीन दिख रहा है। लेकिन उसके बाद का समय हमें धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हमें इनके हाथ में दिख रहा है। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो ये देखिए चलता जा रहा है। यहाँ पर इस रेखा में थोड़ा ढलाव हमें दिखता है, 30 वर्ष के आसपास इनके हाथ में चेंज दिख रहा है, 30 से लेकर 35 के बीच अच्छा खासा चेंज इनके हाथ में है, जो कि हम आगे वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। तो ये चीज़ हमें दिख रही है ओवरऑल। और थोड़ा सा माइंड लाइन पर हमें कट्स, थोड़ा मन की शांति की तलाश इनके दिमाग में हमेशा रहेगी। तो गायत्री मंत्र का जाप सबसे अच्छा होता है। अब मैं बहुत लोगों को रिकमेंड करती हूँ कि गायत्री मंत्र जो होता है ना, मन की शांति प्रोवाइड करता है। हाथ में कोई नेगेटिव रेखा हो, कोई समय अगर थोड़ा मीडियम चल रहा है, कामों बनने में रुकावटें हों, तो ऐसे में क्या होता है, गायत्री मंत्र का जाप जो है एक पूरी नेगेटिविटी फ्लश आउट करना, कवच का काम करना, क्योंकि गायत्री मंत्र अपने आप में ही बहुत पावरफुल मंत्र है। तो उससे क्या होता है कि इंसान अपने जीवन में एक नेगेटिविटी बाहर निकलना, पॉजिटिविटी बढ़ना, और साथ हाथ में रेखाओं में भी बड़ा अच्छा फ़र्क आता है, मैंने ऐसा देखा है। रेखाएं फुल फ्लैशली काम करती हैं, जो पॉजिटिव रेखाएं फुल फ्लैशली काम करती हैं, और नेगेटिव रेखाओं का जो नेगेटिव असर है वो धीरे धीरे डिमिनिश होने लगता है। 3 से 6 महीने में ही बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, ऐसे मुझे फीडबैक्स आते हैं लोगों के। और क्या है कि इसमें गायत्री मंत्र दिन में सिर्फ 3 बार बोलना है, 3 माला नहीं, सिर्फ 3 बार बोल के आप अपना दिन शुरू कर सकते हैं। यानी कि नहा के पूजा करते हैं यूजली, तो आप गायत्री मंत्र करें वो सबसे अच्छा रहता है। अब यहाँ पर इनके हाथ में ये देखिए, ये लाइफ लाइन को देखिए, अच्छी खासी लाइफलाइन चल रही है, जीवन में अच्छी ग्रोथ की रेखाएं हमें हाथ में दिख रही है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। थोड़ा सा जॉब में ऐसा लग सकता है, थोड़ा टायरिंग लग सकता है, वर्कलोड लग सकता है, लेकिन काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमें दिख रही है। तो ये अगर हम देखें, इनके हाथ में अच्छी खासी ग्रोथ का समय दिख रहा है, 35 जैसे मैंने कहा, 30 से 35 के बीच अच्छा, 35 के आसपास काफ़ी चेंज हमें दिख रहा है, पॉजिटिव चेंज। और जीवन में यहाँ पर देखें तो 50 ईयर्स के आसपास भी एक बहुत बड़ी ग्रोथ सक्सेस हमें दिख रही है। तो ओवरऑल हाथ में सक्सेस काफ़ी अच्छी है। और ये देखिए, लोगों का सपोर्ट जीवन में काफ़ी अच्छा हमें हाथ में दिखाई दे रहा है, मंगल रेखाएं। अब इनके हाथ में यहाँ पर अगर हम देखें तो भाग्य रेखा टूट टूट के चल रही है, ये देखिए। तो ये बदलाव वाला हाथ है, जैसा होता है ना कि हर 10 साल में बदलाव आता है जीवन में, हर 10 साल में 15 साल में बदलाव आना, वो चीज़ हमें दिख रही है। हाथ में क्या है, चीज़ें डिनाइड नहीं है, लेकिन क्या है, काफ़ी सक्सेस। और ये देखिए, एक ब्रांच यहाँ से निकल के इधर जुड़ रही है। ऐसे लोग कई बार मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं
और आईटी सेक्टर में काम करना, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना, ऑनलाइन वर्क से पैसा कमाना, बाहर विदेश से भी पैसा आता है ऐसे लोगों को, ये सब योग इनके हाथ में बहुत अच्छे दिख रहे हैं। कि कई बार होता है कि किसी ऐसी बड़ी कंपनी के लिए आप काम कर रहे हैं जो विदेशी मुद्रा में पेमेंट करती है, या विदेश से पैसा कमाने के योग भी बनते हैं इनके। यहाँ पर इनके हाथ में देखा जाए तो देखिए, नौकरी और सेटलमेंट के योग की बात करेंगे तो आगे जो समय आ रहा है वो बहुत अच्छा इनका आ रहा है। और देखिए यहाँ से एक रेखा का जुड़ जाना, यहाँ पे रेखा छूट गई, ये देखिए ये, और लोगों का सपोर्ट भी हमें इनके हाथ में दिख रहा है। और ये देखिए यहाँ से रेखा इस प्रकार से चल रही है, एक एडिशनल रेखा 27 की बात करें तो 26-27 से मैं बोलूँगी कोई नए स्रोत इनकम के बनेंगे। विवाह के बारे में भी हम आगे जानेंगे, अगर ये जल्दी विवाह करना चाहते हैं तो तकरीबन इनके हाथ में 26-27 में योग इनके हाथ में अच्छा खासा आ रहा है। और यहाँ पर एक ट्रायंगल फॉर्मेशन है जो कि अच्छा बदलाव दिखा रहा है। और ये देखिए ये 30 जो मैं कह रही थी, 30-35 के बीच एक काफ़ी अच्छा चेंज है, एक चेंज 26-27 पे अच्छा चेंज है, इनकम के स्रोत भी बनेंगे और अच्छा बदलाव दिख रहा है। और यहाँ पर भी 30-35 पे भी काफ़ी चीज़ों में पॉजिटिविटी दिख रही है, एक बड़ा बदलाव, बड़ा जंप हमें इनके हाथ में दिख रहा है और रेखा बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है। यहाँ पर फिर तकरीबन 48 के आसपास एक बड़ा बदलाव, पॉजिटिव चेंज हमें दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पर ये हाथ में। तो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम इनके जीवन में रहेंगे और अच्छा खासा इनकम बढ़िया बना रहेगा, कोई दिक्कत परेशानी हमें इनके हाथ में नहीं दिखती। तो इनकम से रिलेटेड चीज़ें काफ़ी अच्छी प्रॉस्पेरिटी हमें दिख रही है। अब आते हैं इनके हाथ में हृदय रेखा की ओर। यहाँ पर हृदय रेखा देखेंगे तो एकदम स्ट्रेट चल रही है, रियलिस्टिक वर्ल्ड में रहने वाले लोग होते हैं, फालतू की बातें, फालतू के ख्याली पुलाव नहीं बनाते। यहाँ पर यव का चिन्ह दिखता है, कई बार अपनों से धोखा मिलता है, दुखी मन हमें दिख रहा है, अंदर से मन दुखी है इनका। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ तक रेखा लंबी अच्छी खासी चल रही है, कोई लैंड से भी इनको बेनिफिट मिल सकता है। और ये देखिए लेकिन रेखा डिस्टर्ब है, जैसा होता ना मन में अशांति, दिल खुश नहीं है, मेरा नौकरी है, मेरे पास पैसा है और घर परिवार में, लेकिन क्या मन अंदर से दुखी है, आसपास का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा ना होना या उस घर में सबका सपोर्ट ना मिलना, तो होता है कि मैं सबके लिए इतना कुछ कर रहा हूँ लेकिन कोई मेरे साथ नहीं खड़ा, इमोशनली डिस्टर्ब, वो चीज़ हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर ये चीज़ हमें दिख रही है। और ऐसे में कई बार ब्रेकअप्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे इनका यव का चिन्ह भी हमने अभी देखा, तो कई बार होता है कि रिलेशनशिप ब्रेकअप होना, कोई रिलेशनशिप वर्कआउट ना होना, ऐसी चीज़ें भी देखने को मिल जाती हैं। अब यहाँ पर इनके हाथ में हमने चारों रेखाओं को देखा, इनके हाथ में देखिए ये देखिए मनी ट्रायंगल बहुत अच्छा है, धन की तिजोरी भी हाथ में बहुत बढ़िया इनके चल रही है, बहुत ही बढ़िया चल रही है। एक मैं बोलूँगी मछली का चिन्ह इनके हाथ में बहुत ही बढ़िया, मछली का चिन्ह इनका नीचे की ओर बन रहा है। अब देखिए यहाँ पर इनके हाथ में ये अपना काम करने की रेखा भी है, कि अगर ये कोई अपना काम आगे फ्यूचर में करना चाहें तो वो भी हमें दिख रहा है। ये देखिए अपना काम करने की, अपने बिजनेस करने की रेखा भी हमें दिख रही है, जबकि मुझे लगता है ये बदलाव का जो समय है उस समय ये कोई अपना काम शुरू करेंगे और अच्छी सक्सेस भी बना लेंगे। अब आते हैं इनकी हाथ में इनकी विवाह वाले क्वेश्चन पे, फिर हम आगे और भी चीज़ें चेक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड में जब विवाह रेखा को देखते हैं तो इनके हाथ में इस प्रकार से विवाह रेखा हमें दिख रही है। तो देखिए दो विवाह रेखा का मतलब यहाँ बिल्कुल दो विवाह नहीं है, यहाँ पर ये होता है कि इंसान अपनी वाइफ को बहुत प्रेम देना, अपनी वाइफ के साथ अच्छी कोऑर्डिनेशन बनाना, ये सारी चीज़ें हमें दिखती हैं। कुछ अफेयर वगैरह भी हमें योग हमें दिख रहे हैं अफेयर के, तो वो चीज़ भी है, लेकिन शादी के बाद वाइफ के साथ अच्छी कोऑर्डिनेशन, उसको साथ तालमेल अच्छा बैठना, वो वाइफ का सहयोग मिलना, ये सारी चीज़ें हमें दिख रही हैं। अब देखिए यहाँ पर भी कुछ ऐसा लगता है कि कोई अफेयर वगैरह के योग हमें दिखते हैं। यहाँ पर ये देखिए इस प्रकार से ही हमें एक फोक भी हमें दिख रहा है, तो वो कई बार क्या होता है कि वाइफ थोड़े जैसे विद इन 100 किलोमीटर दूर की वाइफ हमें ऐसे देखने को मिल जाती है, और साथ ही साथ वाइफ का सहयोग मिलना, वाइफ के जीवन जैसा होता है ना कि एक मनचाही वाइफ मिलना, वो चीज़ भी हमें साथ में योग हमें दिखाई दे रहे हैं, और घर परिवार के साथ मिक्स होके रहना, वो सारे योग हमें दिख रहे हैं। अब देखिए विवाह के योग की बात, जैसे मैंने बताया था 26-27 वर्ष के बीच विवाह का योग बैठ रहा है, नहीं तो अदरवाइज़ फिर इनके लाइफ में 30 के आसपास योग बनेगा।
यहाँ पर इनके देखें तो ये जीवन का ग्राफ बहुत अच्छा है। जीवन में शुरुआती जीवन में स्ट्रगल है, लेकिन बाद का जीवन काफ़ी कंफर्टेबल हमें दिख रहा है। यहाँ अगर हम उंगली को देखें, जुपिटर की उंगली इधर की ओर टिल्टेड है। ऐसे लोग घर परिवार से मिलके चलते हैं, रिलीजियस माइंडेड भी होते हैं। ये देखिए, ये सूर्य की फिंगर लंबी है। अपने एफर्ट से, अपनी मेहनत काबिलियत से ये लोग जीवन में बहुत कुछ हासिल करते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो छोटी फिंगर फर्स्ट फैलेंस तक नहीं पहुँच रही है। सूर्य फिंगर की फर्स्ट फैलेंस तक नहीं पहुँच पा रही है। भोले स्वभाव के कारण ठगे जाते हैं। ऐसे लोग परिवार के साथ काफ़ी घुल मिलना, परिवार के साथ लगाव रखना, वो सारी चीज़ें रखती है, खास तौर से माता के साथ में। इस फिंगर को देखिए, बुध की फिंगर अगर हम देखें तो ऊपर से यहाँ पे पनाव छोटा होता जा रहा है, पतली होती जा रही है ये। तो क्या होता है कि अपने परिवार से बहुत जुड़ाव इनका रहता है, परिवार के टूवर्ड्स ये लोग काफ़ी इनका एक लगाव देखा जाता है। और ये लोग क्या होता है कि दिमाग से ज़्यादा दिल से काम लेते हैं, ये चीज़ भी देखने को मिलती है। अब इनके हाथ में हम चलते हैं फिंगरप्रिंट्स की ओर। देखें फिंगरप्रिंट्स हमें क्या बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए, ये बहुत ही बढ़िया पिकॉक साइन हमें गुरु की फिंगर पे हमें दिखता है। जब ऐसा पिकॉक साइन आता है तो इंसान अपने पूरे कैलिबर को इस्तेमाल करता है। अपने जीवन में कितने भी स्ट्रगल हों, वो सारे स्ट्रगल्स का की भरपाई जीवन में इनके हो जाती है, समय समय के साथ साथ होती रहती है। जीवन में क्या होता है, बदलाव बहुत आते हैं, जीवन के एक्सपीरियंसेस से बहुत कुछ सीखते हैं और दूसरों को भी सिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पर, ये थोड़ा क्या होता है कि पीठ पीछे बुराई मिलना, कई बार ये भी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। लोगों से वैसा सहयोग ना मिलना, अपने एफर्ट्स का देरी सफल मिलना, ये सब नेगेटिव रेखाएं, ये जो कट्स हैं ये दर्शा रही हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर ही है। तो ये गायत्री मंत्र के जाप से ये सब चीज़ों की नेगेटिविटी ख़त्म होती है। अब ये देखिए यहाँ पर ये उलन लूप हमें दिख रहा है। ऐसे लोग अपनी लाइफ में देखिए, कौन अपना है, कौन पराया है, कौन मेरा अच्छे समय का साथी है, कौन बुरे समय का साथी है, उस चीज़ का भरपूर ज्ञान इन्हें होता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये देखिए, सूर्य की फिंगर पर भी इस प्रकार से उलन लूप है। तो इनके शुरुआती जीवन में स्ट्रगल होगा, लेकिन बाद के जीवन में अच्छी खासी सक्सेस ये ज़रूर अटेंड करते हैं। और जैसे कि हमने देखा, 30 वर्ष के आसपास इनके जीवन में बड़ा बदलाव है, पॉजिटिव चेंज है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आते हैं। यहाँ पर भी देखिए ये कट्स, ये जीवन में क्या होता है, थोड़ी ग्रोथ को स्लो करते हैं। तो ये गायत्री मंत्र के जाप से सब ये हटते चले जाएंगे। यहाँ पर अगर हम हाथ में देखें तो यहाँ पर भी हमें उन्नल लूप हमें दिखता है। ये ऐसे लोग क्या होता है कि शॉर्टकट मनी मेथड सूट नहीं करते, अपने क्या होता है, अपनी मेहनत और काबिलियत से ही इनको पैसा जो आएगा वो फलता है। अब चलते हैं इनके हाथ में थंब की ओर, देखें इनका थंब हमें क्या बताता है। अब देखिए यहाँ हाथ में भी उन्नल लूप हमें दिख रहा है। ऐसे लोग अपने परिवार में काफ़ी, जैसे कहना चाहिए, परिवार के लिए बहुत कुछ कर दूँ, परिवार के लिए छावर रहना, ये सारी चीज़ें दिखती हैं। चिंता की रेखाएँ यहाँ पर भी हमें दिख रही है, बहुत चिंता। अब ये देखिए, ये अच्छा खासा यव का चिन्ह है, और ये देखिए यहाँ की तरफ इसका झुकाव ज़्यादा है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब इंसान अपनी लाइफ में ना एक मिडिल पॉइंट पे आके, जैसे कि हमने हाथ में भाग्य रेखा पे भी देखा, तो एक अच्छी सक्सेस अटेन करता है, परिवार की मान मर्यादा फॉलो करता है, एक अच्छे संस्कारी परिवार में जन्म लेता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो जीवन में देखिए वंश की रेखा भी बहुत अच्छी है, बच्चों से आगे अच्छे वंश बढ़ना, ये सारी चीज़ें। विल पावर बहुत अच्छी है, थोड़ा सा लॉजिक प्लानिंग पे अगर ये काम करें तो इनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ सकते हैं। और हाथ में अगर हम देखें तो मनोकामना पूर्ण करने की रेखा भी बहुत बढ़िया इनके हाथ में दिख रही है। तो और अंगूठा अगर हम देखें तो मजबूत सशक्त अंगूठा है। इंसान जो है, जैसे कहते ना एकदम, कि जो मैंने ठान लिया सो ठान लिया, अब मैं करके दिखाऊंगा, मैं क्यों नहीं कर सकता, इस प्रकार की सोच वाले ये व्यक्ति दिखते हैं। अब चलते हैं इनके हाथ में राइट हैंड के फिंगरप्रिंट्स पे, देखें वहाँ हमें क्या मिलता है। अब ये देखिए लेफ्ट हैंड के फिंगरप्रिंट्स पे अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें ये उन्नल लूप हमें मिल रहा है जुपिटर की फिंगर पर। ऐसे में क्या होता है कि इंसान के जीवन में उम्र के साथ साथ, उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, सक्सेस आती जाती है। अब ये देखिए यहाँ पर भी हमें इस प्रकार से एक उन्नल लूप दिख रहा है। हमने राइट हैंड में भी सेम यही देखा था। तो क्या होता है, लेसन्स ऑफ लाइफ लेना, अपनी गलतियों से सीखना, ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि क्या मैं, अब जो मैंने गलती कर दी अब दोबारा नहीं हो, उसके लिए मैं क्या करूँ, इस प्रकार की सोच। अब देखिए यहाँ पर ये
उनके हाथ में एक चक्र का निशान हमें दिखता है। सूर्य की फिंगर पर लेफ्ट हैंड में चक्र का निशान दर्शाती है कि इंसान जो है एक इनबॉर्न टैलेंट के साथ पैदा हुआ है और वो टैलेंट के ज़रिए जीवन में अच्छी सक्सेस बना ही लेगा। देखिए लेफ्ट हैंड वो होता है जो परवरिश हमें अपने माता पिता से मिलती है, जो हम जीवन में लेकर आते हैं। बाई बर्थ हमें क्या मिला है, हमें ईश्वर ने क्या दे के भेजा है, हम अपने पास्ट लाइफ से पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों से हम क्या लेकर आए हैं, हमने जो पिछले जन्म में जो पुण्य करे वो पुण्य एक पुण्य कर्म के फॉर्म में हमें उसकी ब्लेसिंग्स इस जन्म में मिलती हैं, तो वो चीज़ को ये दर्शा रहा है। और क्या होता है कि जीवन में राइट हैंड हमारा बताता है कि अब हम अपने कर्मों द्वारा इस जन्म के जो कर्म हैं, इस जन्म में जो हम अपने कर्म करेंगे तो वो उससे हम क्या हासिल करेंगे, राइट हैंड वो रिफ्लेक्ट करता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो अगेन उन्ना लू हमें दिखता है बुद्ध की फिंगर पर, और बुद्ध की फिंगर सूर्य की फिंगर की तरफ झुकी हुई है, तो परिवार से खास लगाव, माता से खास लगाव भी उनका जीवन में चलेगा। और ये क्या होता है कि ऐसे लोग अपनी मेहनत और काबिलियत से ही पैसा बनाते हैं। इजी मनी, स्टॉक मार्केट, जुआ सट्टा, इस तरह की चीज़ों से पैसा नहीं बनता, नुकसान होगा। और होता क्या है ऐसे में कि जो अगर किसी को उधार दिया वो पैसा लौट के नहीं आता। अब चलते हैं थंब की ओर, देखें थंब क्या बताता है। अब देखिए यहाँ पर ये इस प्रकार से उन्ना लूप हमें देखने को मिल रहा है लेफ्ट हैंड में भी, और चिंता की रेखाएँ देखिए कितनी सारी हैं। ये मन में शांति नहीं है इनके, मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, कुछ अच्छा होगा नहीं होगा, इस प्रकार की चिंता इनको दिन रात घेरे रहती है। अब ये देखिए इनके हाथ में ही उन्ना लूप अगेन दिखाता है परिवार के बारे में काफ़ी सोचना, काफ़ी अपनी एक डेडिकेशन दिखाता है। यहाँ पर उन्ना लूप देखिए, यहाँ पर जो है ये देखिए ये डिस्टर्बेंस हमें देखने को मिल रहा है, डिस्टर्बेंस गड्ढे से, तो ये कई बार पारिवारिक डिस्टर्बेंस भी दिखाता है, परिवार में जैसे डिस्टर्बेंस हो, माता पिता के बीच में कोई डिस्टर्बेंस चलना, इस तरह की चीज़ें। अब इनकी 10 की 10 उंगलियों को समराइज़ करें तो हमें इनके हाथ में एक चक्र का निशान मिला, पिकॉक साइन भी मिला और उनर लूप्स भी हमने देखने को मिले। तो ये क्या होता है ऐसे लोग नेकी कर दरिया में डाल वाला सीन इनको अपनाना चाहिए, और इनका क्या होता है सक्सेस अपने आप आती है। अपने कर्मों पे ध्यान दें कि बस अपनी कोशिश पे ध्यान दें, कोशिश करते जाएंगे सक्सेस अपने आप दौड़ते दौड़ते इनको आती जाएगी, ईश्वर की ब्लेसिंग्स अपने आप इनको मिलती जाएगी। और होता क्या है कि ऐसे में इनकी जो नेगेटिविटी है हाथ में, नेगेटिव चीज़ें हैं वो अपने आप फ्लश आउट होती जाएंगी। तो जैसे जैसे इनके कर्म बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इनको चीज़ों का, पिछले जन्म के पुण्यों का, पिछले जन्म के अच्छे जो कर्मास का, सबका फल इनको धीरे धीरे इस जन्म में आगे मिलता जाएगा। ऐसे लोगों को सक्सेस थोड़ी देरी से आती है लेकिन बहुत ट्रेमेंडस सक्सेस आती है, चीज़ें डिनाइड नहीं है लेकिन थोड़ा देरी से दिखती हैं। अब चलते हैं इनके हाथ में माउंट्स की ओर, देखें इनके हाथ के माउंट्स हमें क्या बता रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर गुरु को अगर हम देखें तो थोड़ा फ्लैटेंड है, तो ऐसे में क्या होता है कि जैसे हमने देखा कि हाथ में नेगेटिव रेखाओं का होना, चीज़ों का फल कम मिलना, अभी ऐसा लग रहा है कि कोशिश तो मैं बहुत कर रहा हूँ लेकिन उतना फल आ नहीं रहा है, इस तरह की चीज़ें। तो अपने जीवन में येलो कलर का यूज़ बढ़ाएं, येलो कलर का हैंकी अपने साथ रख सकते हैं बृहस्पतिवार के दिन, वो इनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। अब ये देखिए एपेक्स का चिन्ह है, टाइम टू टाइम नॉलेज अपडेट करना, ये सब चीज़ें भी हमें दिखती हैं। और हाथ में यहाँ पर ये क्रॉस का चिन्ह हमें बताता है कि जीवन साथी का अच्छा सहयोग इनको मिलेगा। यहाँ पर अगर इनके हाथ में बात करें, शनि पर्वत दबा हुआ है, मन में उत्साह की कमी है, ऐसा लग रहा है कि मन दुखी है अंदर से, जो कि हमने अभी हाथ में और भी जगह देखा। यहाँ पर मल्टीपल जो है अगर हम देखें तो इनके इनकम के स्रोत बने रहेंगे। अब यहाँ पर एपेक्स का चिन्ह है, ईश्वर शक्ति का हाथ बना रहेगा। ये देखिए एक ये लूप हमें दिखता है, लूप ये हमें बताता है लूप ऑफ सीरियसनेस, अपने हर काम को सीरियसली करना। यहाँ पर एक हमें एक चीज़ और बताते हैं, ये देखिए एक शुक्र वलय हमें इनके हाथ में दिख रहा है। शुक्र वलय जो है ये एक तरह से देखा जाए तो गर्डल ऑफ वीनस इसे कहते हैं, और ये मतलब ऐसे लोगों का लक ना दूसरों के लिए बहुत काम करता है। पैदा हुए तो माता पिता के लिए लकी, फिर भाई बहनों के लिए लकी, पत्नी के लिए लकी, इस तरह की चीज़ें, बच्चों के लिए लकी, दोस्तों के लिए लकी। और ऐसे लोग दूसरों के घर चले जाएँ ना तो वहाँ पर पता चलता है कि उस दोस्त की प्रॉब्लम ख़त्म होनी शुरू हो गई, इस तरह की चीज़ें भी।
पूर्व पुण्य रेखा पिछले जन्म के अच्छे कर्मों का फल भी दिख रहा है। सूर्य पर्वत अच्छा है और समय के साथ साथ धीरे धीरे अच्छा फल और देता जाएगा। थोड़ा देखने में फ्लैटेंड लग रहा है, थोड़ा धूप में अगर ये बैठें, थोड़ा धूप में 5-1 मिनट का समय दें तो इनके लिए सूर्य काफ़ी बलवान हो जाएगा। यहाँ पर इनके हाथ में देखें तो ये बुध पर्वत इनका बहुत अच्छा है। जैसे एक होता है ना कि अच्छे गुड लर्नर्स होते हैं, वो चीज़ दिखती है, काफ़ी शार्प माइंडेड, एनालिटिकल लॉजिक रीजनिंग बहुत बढ़िया है इनकी, वो सारी चीज़ें हमें गुण दिख रहा है। और क्या होता है, देखने में भी पर्सनैलिटी अच्छी होती है इनकी। अब यहाँ पर देखा जाए तो दूसरों की हीलिंग, देखिए हीलिंग की रेखा बहुत अच्छी है, दूसरों के लिए हमदर्दी भरा स्वभाव रखना, वो चीज़ भी हमें दिख रहा है। यहाँ पर इनका मंगल देखें तो मंगल अच्छा खासा मंगल है, देखिए दोनों मंगल अच्छे हैं, अंदर से भी कॉन्फिडेंट, बाहर से भी कॉन्फिडेंट, पर थोड़ी घबराहट भी हमें दिख रही है। ये मंगल थोड़ा सा यहाँ बल्जिंग हो गया तो अंदर से थोड़ी घबराहट बनी हुई है, जो कि एक टेम्परेरी फेज़ की वजह से हम कह सकते हैं। यहाँ पे चंद्रमा है, एक सॉफ्ट मन, कोमल मन, किसी के प्रति कोई गलत भावना, गलत विचार इनके मन में नहीं होता। लाइन ऑफ ट्रैवल्स इनके हाथ में बहुत अच्छी हैं। शुक्र पर्वत अच्छा है और ये हम कह सकते हैं एक अच्छी लग्जरियस लाइफ जीना, और जैसे कहना चाहिए कि एक होता है ना कि मैं महंगा मोबाइल, महंगी गाड़ी खूब लुभाते हैं, और एक जब भी ये लोग अपने जीवन में घर बनाते हैं बहुत अच्छा सुंदर घर बनाते हैं, और ऐसे लोगों का रहन सहन, खान पीन बहुत बढ़िया होता है। पैसे को अच्छा भोगना, पैसा कमाना अलग चीज़ है, भोगना अलग चीज़ है, तो वो चीज़ भी हमें दिख रही है। पैसे का सुख इनके हाथ में काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अब चलते हैं लेफ्ट हैंड की ओर, देखें लेफ्ट हैंड में हमें क्या दिखता है। अब देखिए लेफ्ट हैंड में देखें तो यहाँ पर गुरु दबा हुआ है, तो यहाँ पर वही चीज़ हमें दिख रही है। जैसे मैंने कहा येलो कलर का यूज़ बढ़ाएं, थोड़ा सा चीज़ों में डिले हमें दिख रहा है, जैसे मन चाहा फल नहीं मिल पाना, एक ऐसा लग रहा है कि मैं उतना नहीं हो पा रहा जितना मैं कोशिशें कर रहा हूँ। अब यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर भी मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है, और एक मछली का चिन्ह भी यहाँ पर आ रहा है। ओल्ड एज में काफ़ी अच्छा खासा पैसा होना, इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये देखिए सूर्य पर्वत यहाँ बहुत अच्छा है, तो सूर्य पर्वत के, सूर्य के बेनिफिट्स भी इनके हाथ में बहुत अच्छे दिख रहे हैं। करियर ग्रोथ बहुत अच्छी है, पूर्व पुण्य रेखा, पिछले जन्म के अच्छे कर्मों का फल मिलना, लॉजिक रीजनिंग, एनालिटिकल पावर अच्छी है, बुध बहुत बढ़िया है इनका। तो ये सब चीज़ें देखिए बाई बर्थ लेफ्ट हैंड में है, बाई बर्थ बहुत चीज़ें इनके पास हैं। ये देखिए यहाँ पर मंगल पर्वत बहुत अच्छा है, ऊपर से काफ़ी कॉन्फिडेंट है लेकिन अंदरूनी मंगल दबा हुआ है, तो अंदर से एक घबराहट चलना, क्या होगा, कैसे होगा, पता नहीं कुछ कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, ऐसा कुछ। यहाँ पर देखें चंद्रमा बहुत अच्छा, और यहाँ से रेखा का निकलना, फॉरेन कंट्री से भी अच्छा पैसा बनाते हैं, फॉरेन कंट्री, ऑनलाइन वर्क्स, मल्टीनेशनल में काम, ये सारी चीज़ें भी इनके हाथ में बहुत बढ़िया योग हमें दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पर चंद्रमा का, जैसे हमने देखा था ये सब रेखाएँ इस तरह से हमें चीज़ें दिख रही हैं, तो फॉरेन कंट्री के बेनिफिट्स भी दिख रहे हैं। और यहाँ पर देखें तो ये शुक्र अगेन बहुत बढ़िया है, थोड़ा पैसा और कमा लूँ तो मैं जने क्या कर दूँ, इस तरह की विचारधारा भी हमें इनके हाथ में दिख रही है। यहाँ पर इनके हाथ में, चलते हैं लाइफलाइन की ओर। अब देखिए यहाँ पर जब हम जीवन रेखा को देखते हैं तो जीवन रेखा में यहाँ पर एक यव का चिन्ह हमें दिख रहा है, जो क्लियरली इस प्रेजेंट एज को इंडिकेट कर रहा है। तो अभी जो जितना भी समय पिछले 5-6 साल से, वो काफ़ी परेशानी वाला समय दिख रहा है, लेकिन अब इस समय से ये धीरे धीरे बाहर आने लगेंगे। इनके हाथ में मैं सजेस्ट करूँगी, जैसे मैंने कहा गायत्री मंत्र के जाप से चीज़ें बेटरमेंट की होंगी। थोड़ा स्ट्रगल का समय हमें यहाँ दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पर भी कुछ ये एक यव का चिन्ह और दिख रहा है, यहाँ पर तो है ही, तो ये जो है धीरे धीरे गायत्री मंत्र के जाप से चीज़ें बेटरमेंट की ओर चलेंगी। कई बार हेल्थ इश्यूज़ भी आते हैं, चिंता, परेशानी, दिक्कतें, ऐसा कुछ महसूस होना, लेकिन अब धीरे धीरे ये समय इनका एंड हो जाएगा और चीज़ें बेटरमेंट की ओर चलेंगी। अब देखिए यहाँ पर ये इस प्रकार से माइंड लाइन काफ़ी शार्प है, लेकिन ये देखिए कट्स तो ये दिखा रहे हैं, लेकिन धीरे 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 कट से साफ़ होती जा रही है, जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है साफ़ होती जा रही है। अभी देखिए भाग्य रेखा इस प्रकार से चली, फिर छूट गई, लेकिन दूसरी भाग्य रेखा ने सहारा दिया, तो दूसरी भाग्य रेखा सहारा देते हुए आगे बढ़ा रही है, चीज़ें रुक नहीं रही हैं। देखिए यहाँ पर भी बेटरमेंट दिख रहा है, एक नई चीज़ की शुरुआत, फिर नई चीज़ की शुरुआत होते होते आगे बढ़ते जा रहे हो, ये देखिए तो सब तरफ से सहारा, एक तरफ से बेनिफिट्स भी दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पर हाथ में हमने देखा कि रेखा भी सुधर रही है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, और भाग्य रेखा भी समय समय पे
फल दे रही है। अब ये देखिए हाथ में यहाँ पर ये हृदय रेखा काफ़ी लंबी है लेकिन डिस्टर्ब हमें दिख रही है, तो यही दिखाती है पारिवारिक समस्याएं, टेंशन, इस तरह की चीज़ें जो कि धीरे धीरे समय के साथ साथ इम्प्रूव होती जाएंगी, प्रॉब्लम्स ख़त्म होती जाएंगी। ये एक रेखा यहाँ से निकल के इधर चंद्र पर्वत की ओर जा रही है, जो कहीं ना कहीं दिखाती है कि एक धन वृद्धि भी दिखा रही है, धन का अच्छा इस्तेमाल, लग्जरी, ये सारी चीज़ें भी दिखाती जा रही है। और यात्राओं के योग इनके हाथ में बहुत अच्छे हैं, तो अगर देखा जाए ओवरऑल हैंड बहुत अच्छा है। जीवन में खूब खुशियाँ आना, काफ़ी चीज़ों का बेटरमेंट देखना, एक प्रॉब्लम वाले समय से बाहर निकलना, वो सब चीज़ें भी हमें समय के साथ साथ दिख रही हैं। तो धीरे धीरे समय जैसे अगर हम देखें तो अगले एक से डेढ़ वर्ष में काफ़ी इम्प्रूवमेंट इनके जीवन में आने वाला है। काफ़ी जैसे कहना चाहिए नेगेटिविटी हटके पॉजिटिविटी आना और एक अच्छा बढ़िया समय शुरू होना, वो सारी चीज़ें हमें दिख रही हैं। तो ओवरऑल हैंड काफ़ी अच्छा है, काफ़ी प्रॉस्पेरिटिंग, काफ़ी गिविंग हैंड है। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जीवन में खूब खुशियाँ आए, खूब राइज करें। तो ये था इनका हैंड का एनालिसिस। धन्यवाद।